अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फॉर्म टैग या इंटरेक्टिव टैग्स के होते हैं, और उसके बाद हमने इंटरेक्टिव टैग्स की पहली टाइप इनपुट टैग्स देखी थी, जिसके थ्रू हमने डिफरेंट तरह के इनपुट्स को अपने वेब पेज के ऊपर रेंडर करके चेक किया था कि क्या रिजल्ट आता है। आज हम देखेंगे कि इंटरेक्टिव या फॉर्म टैग्स की दूसरी टाइप यानी कि एक्शन टैग्स क्या होती है। तो एक्शन टैग वो टैग्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने वेब पेज के ऊपर उन आइटम्स को रेंडर करते हैं जिनको क्लिक करके हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी सबसे सिंपल एग्जाम्पल एक बटन है, कि जिस तरह से हम एक बटन को क्लिक करके कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या हम बटन को क्लिक करके अपने फॉर्म का डाटा जो है वो अपने सर्वर की तरफ सेंड कर सकते हैं, या इसी तरह से कोई और काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम बटन को किस तरह से अपने फॉर्म या वेब पेज के ऊपर रेंडर कर सकते हैं। तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये वही पुराना वाला कोड है जिसके अंदर हमने एक लेबल ऐड किया था और एक इनपुट फील्ड नेम ऐड करने के लिए ऐड की थी, और एक और लेबल कमेंट के लिए, और एक टेक्स्ट एरिया ऐड किया था कमेंट एंटर करने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम एंटर करेगा यूज़र और ये टेक्स्ट एरिया में यूज़र कमेंट एंटर करेगा, इसको हम सबमिट करना चाहते हैं अपने सर्वर एंड पे ताकि इस डाटा को प्रोसेस किया जा सके। तो ये करने के लिए हमें कोई बटन लगाना पड़ेगा ताकि हम वो बटन को क्लिक करें और ये डाटा जो है सर्वर एंड के ऊपर पहुँच जाए। यहाँ पर सबसे पहले बटन को लगाने के लिए जो HTML हमें टैग देता है वो बटन का ही है, लेस देन साइन बटन ग्रेटर देन साइन। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान जो भी टेक्स्ट हम ऐड करेंगे वो बटन के ऊपर शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ सबमिट, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बटन ऐड हो गया है। अब अगर इसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा सिवाय उस एरर मैसेज के, जो कि उस रिक्वायर्ड फील्ड की वजह से है जिसको हमने अभी तक फील्ड नहीं किया। तो जैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट किया है ये मुझे एरर आ गया कि ये जो फील्ड है इसका डाटा फिल करना लाजमी है वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब इस सबमिट की या इस बटन की जो फंक्शनलिटी है इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए HTML बटन के टैग के अंदर हमें जो एट्रीब्यूट देता है वो है टाइप का, बटन टाइप। अब यहाँ पर चार तरह के बटन होते हैं, एक सिंपल बटन, एक मेन्यू बटन, एक रीसेट और एक सबमिट। सबसे पहले हमने देखना सबमिट वाला, कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ मेरे फॉर्म का डाटा सबमिट हो जाए। तो इसकी मैं टाइप सबमिट रख देता हूँ। अब ये डाटा सबमिट कैसे होगा, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हम फॉर्म के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं एक्शन का, उसके एक्शन के अंदर हम वो URL या एंड पॉइंट पास करते हैं जहाँ पर हमारे इस फॉर्म के डाटा ने सबमिट होना होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्म के ओपनिंग टैग के अंदर मैं एक्शन का एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर मैं वो एड पॉइंट ऐड करूँगा। बेसिकली होता क्या है कि हम एक सर्वर साइड की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे जावा, नोड, PHP इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और उसमें हम एंड पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं फंक्शंस के ऊपर। हम यहाँ पर उस एंड पॉइंट को लिख देते हैं, हम उस अपने सर्वर साइड की स्क्रिप्ट को भी रन कर रहे होते हैं और इसको भी रन कर रहे होते हैं। तो यहाँ से वो एंड पॉइंट जो होता है वो थ्रो होता है फॉर्म के डाटा के साथ, और वहाँ पर जो एंड पॉइंट होता है उसके ऊपर वो ये फॉर्म का डाटा सबमिट होता है, फिर वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है इस डाटा की। तो अभी तो हमने कोई सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग सीखी नहीं है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, URL कोई भी डमी साइड। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ /dummy.php कि मेरे जो फॉर्म का डाटा है वो इस URL के ऊपर जाके थ्रो हो जाए। अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पर फिल करते हैं अपनी फील्ड्स को, और जैसे ही मैं ये सबमिट का बटन दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेज था वो यहाँ पर dummy.php के ऊपर जाकर लोड हो गया, यानी कि मेरे जो फॉर्म का डाटा था वो dummy.php के ऊपर थ्रो हुआ है, क्योंकि ये URL या एंड पॉइंट अभी हमने सर्वर साइड पे नहीं डिफाइन किया हुआ, इसलिए हमें ये मैसेज आ रहा है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड। लेकिन अगर हमने अपनी सर्वर साइड की स्क्रिप्ट डिफाइन की होती और इस URL को उसमें डिफाइन किया होता तो हमारा जो डाटा था ये वहाँ पर सबमिट हो जाना था, फिर वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग मसलन किसी डेटाबेस में चला जाता या कोई फीडबैक वापस आता हमारे पास वेब पेज की तरफ से, कुछ भी होता वो परफॉर्म हो जाना था। अब यहाँ पर सबमिट के बटन के साथ मैं एक और बटन ऐड कर रहा हूँ और उसकी टाइप मैं रखता हूँ रीसेट। तो ये क्या करेगा, जब भी इस बटन को हम क्लिक करेंगे तो यूज़र ने जो फॉर्म का डाटा एंटर किया होगा वो क्लियर हो जाएगा सिंपली। इसको दोबारा से रन करते हैं, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ और इसमें टेक्स्ट एरिया में भी कुछ भी लिख देता हूँ। अब जैसे ही मैं ये रीसेट का बटन दबाने लगूँ तो ये देख लें कि सारा डाटा जो था वो रीसेट हो गया फॉर्म का। तो इस तरह से हम रीसेट के टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू अपने फॉर्म के डाटा को रीसेट या क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरी टाइप थी बटन की, उसके लिए एक और बटन ऐड करते हैं और इसकी टाइप को रखते हैं बटन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन ऐड हो गया, उसके ऊपर क्लिक में लिखा हुआ, लेकिन जब मैं इसको क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि जब हम इसकी टाइप को बटन रखेंगे तो हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा बटन को जब क्लिक किया जाएगा तो क्या एक्शन परफॉर्म हो। इसमें सबमिट की तरह ना एक्शन के थ्रू पता लगेगा ना इसमें रीसेट के थ्रू अपने आप डाटा क्लियर होगा। अब इसके दो तरीके होते हैं, पहला तरीका यह है कि यहाँ पर ही इस बटन की फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर दिया जाए, और दूसरा तरीका यह है कि किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर इस बटन को फाइंड किया जाए और वहाँ पर इस बटन की फंक्शनैलिटी को ऐड किया जाए। अभी हम यहाँ पर ही ऐड करते हैं इस बटन की फंक्शनैलिटी को। उसके लिए जो एट्रीब्यूट हमें HTML बटन के टैग में देता है वो है ऑन क्लिक का, कि जब भी ये बटन क्लिक हो तो क्या हो।
अब इस ऑन क्लिक के जो दो कोमास हैं इनके अंदर हम दोबारा से दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं कि हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड यहीं पर एंटर कर दें, और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल डिफाइन करें, उसके अंदर कोई फंक्शन हम डिफाइन करें जो इस बटन के क्लिक होने पर कॉल हो, और फिर उस फाइल को हम अपने इस HTML की फाइल के साथ लिंक कर। दूसरा तरीका ये ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन अभी हमने जावास्क्रिप्ट नहीं सीखी तो मैं यहाँ पर ही जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक सा कोड लिखने लगा। तो यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड किया। ये क्या करेगा, जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा उसकी बॉडी का बैकग्राउंड जो है वो लाइट ग्रीन कर देगा। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस क्लिक मी को क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे बैकग्राउंड था वेब पेज का वो लाइट ग्रीन हो गया। तो इस तरह से हम एक्सप्लिसिटली उस बटन की फंक्शनैलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं।